इन सरकार की नीतियां सब काम तो कर रही हैं और बाजार भी काम कर रहा है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। और मेरे साथ सुनील दुग्गल साहब जुड़ चुके हैं जो कि सीईओ हैं डाबर इंडिया के, नंबर्स हैं डाबर के और आगे चल के मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है एक बार ये समझते हैं। सुनील जी, बोलते शुक्रिया ऐसी बिजनेस को समय देने के लिए और बधाई हो आपको। काफी टफ था, काफी चैलेंजेस था, जीएसटी के दौर से आप निकल रहे थे, इस बीच ये नंबर्स आए, सेटिस्फाइड हैं आप जो भी नंबर्स आपके आए हैं या फिर उम्मीद कहीं ज्यादा की थी? जो मेरे ख्याल है जीएसटी का इम्पैक्ट था और जो करेंसी डिवैल्यूएशन हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में उसका इम्पैक्ट था, उसको देखते हुए ये रिजल्ट काफ़ी ठीक लग रहे हैं इस वक्त। और यही उम्मीद है कि इससे अब आगे जैसे जीएसटी का इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज होगा और इंटरनेशनल बिजनेस में भी करेंसी इम्पैक्ट थोड़ा धीरे धीरे कम होगा तो नंबर इससे अच्छे निकलेंगे आगे जाते हुए। मिस्टर दुग्गल, ये जो करेंसी इम्पैक्ट की आपने बात की, इससे क्या कोई वन ऑफ हिट लिया है क्या अपने क्वार्टर में? वन ऑफ इट हमने करेंसी के लिए नहीं लिया, करेंसी का जो इम्पैक्ट है ट्रांसलेशन में आया है वो 84 करोड़ का है हमारे सेल्स में और 10 करोड़ प्रॉफिट में। दैट इज ड्यू टू डिवैल्यूएशन इंटरनेशनल बिजनेस की करेंसीज में, जैसे इजिप्शियन पाउंड है, टर्किश लीरा है, ऐसे और दो चार और करेंसीज भी हैं। हमने 15 करोड़ का एक प्रोवाइड किया हुआ है अपने बुक्स में इस साल एज ए एक्सेप्शनल आइटम, वो डोमेस्टिक बिजनेस के लिए है। और उसका जो रीज़न है कि जो हमने ट्रेड को प्रॉमिस किया था कि जो उनके इन्वेंट्रीज हैं ऑन थर्टी ऑफ जून उसका जो इनपुट क्रेडिट लॉस होगा वो हम पूरा कॉम्पनसेट करेंगे, उसका जो हमारा एस्टिमेट है इस वक्त वो करीब 14.5-15 करोड़ का है और उतना ही अमाउंट हमने प्रोवाइड किया है। एग्जैक्ट नंबर जो आएगा वो जुलाई अगस्त में हमें पता चलेगा और उसी हिसाब से हम उनको कैश रीइंबर्समेंट करेंगे, मगर हमने प्रोवाइड फर्स्ट क्वार्टर के बुक्स में कर दिया है उसको। ये आपके मार्जिन सर करीब 17% के हैं, अगर एक कॉस्ट बढ़ गई तो मार्जिन मेंटेन कैसे करेंगे? एक तो सेल्स बढ़ेगी उसके साथ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो मार्जिन उसके साथ अपने आप ही बढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कॉस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, मगर जो मार्जिन को मेंटेन करने के लिए हमारा सेल्स ग्रोथ इससे अच्छा आना चाहिए। अभी इस क्वार्टर में तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम आया है, उसके तो रीजंस दूसरे थे। आगे जाते हुए अगर हमारा सेल्स ग्रोथ फिर रीजनेबल लेवल्स पर पहुंच जाए तो मार्जिन्स मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ है उस पर मिस्टर दुग्गल आपका व्यू क्या है, कंसिडरिंग कि इस बार तो चलिए एक जीएसटी का इम्पैक्ट था, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि आगे जाके वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक तो वो फैक्टर है, दूसरा जो चैलेंजिंग ब्रांड्स हैं एंड स्पेशली पतंजलि, इनकी तरफ से जो कंपटीशन है कुछ एक सेगमेंट्स में, आई वोंट से इन एंटायर सेगमेंट, लेकिन जैसे अलग अलग वर्टिकल्स हैं बीट हनी और द डेंटल केयर सेगमेंट, इन सब में ऐसे में वॉल्यूम ग्रोथ पर आपकी उम्मीद क्या है इन वर्टिकल्स में? दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, ओरल केयर और हनी में। ओरल केयर में हमारा ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छा है डिस्पाइट चैलेंजिंग क्वार्टर, हमारा 10% टूथपेस्ट में ग्रोथ आया है और हमारा शेयर भी इम्प्रूव हुआ है। तो पतंजलि का इम्पैक्ट टूथपेस्ट में अगर है तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। हनी में इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि प्राइस डिफरेंसेस बहुत था पतंजलि और हमारे ब्रांड्स में, और काफ़ी हमने प्राइस करेक्शन कर लिया है और अब हमारा सेल्स ट्रेजेक्टरी है वो बढ़ रहा है। हालांकि कुछ हद तक मार्जिन कम हुआ है हनी में, मगर जो सेल्स का जो मोमेंटम रुक गया था एक साल से वो अब वापस आने लग गया है और उम्मीद ये है कि बाय थर्ड क्वार्टर हनी का फिर से हाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा और जो हमने मार्केट शेयर लूज किया है वो मोर और लेस हम मेकअप कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। ऑलराइट, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये था डाबर का मैनेजमेंट और इन्हें अपने मुनाफे में भी 10 करोड़ का हिट लेना पड़ा है जो करेंसी डिवेल्यूएशन इंटरनेशनली हुआ था कुछ एक करेंसीज में और कुछ एक कंट्रीज में जहां पर डाबर ऑपरेट करता है, तो उसका एक हिट इन्हें लेना पड़ा, लेकिन टॉप लाइन पे 84 करोड़ का हिट लेना पड़ा। लेकिन आपने कॉमेंट्री सुनी होगी आशीष, आपका आउटलुक क्या है डाबर पर? देखिए, इतने सारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर्स आए हैं थोड़ा सा इस पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन नहीं है, वॉल्यूम्स में भी डी ग्रोथ है और कई सारे मिसलेनियस फैक्टर है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 4-5 रुपए दूर है। तो मुझे लगता है कि निवेशक जो, लेकिन मैं इस प्राइस पे स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, मेरा मानना है 300 रुपए के नीचे स्टॉक एक अच्छा। सरकारी कंपनीज को आप देखिए, बीपीसीएल 10% ऊपर है, ये नंबर्स आने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम